गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए मैं आप लोग को एक मोटिवेशनल बात बताता हूँ। हालांकि ये चीज़ पहले भी आपने सुना होगा, आपने सुना होगा कि एक प्रसिद्ध चित्रकार थे पिकासो। हालांकि उनका चित्रकारी में तो बहुत नाम था, एक बार क्या हुआ, कहीं जा रहे थे तो किसी ने उसको पहचान लिया। तो महिला ने कहा कि सर आप मेरे लिए भी चित्र बना दो। उन्होंने मात्र 30 या 40 सेकंड का समय लिया और एक ऐसी डायग्राम बना के उनको दे दिए। अब बोले जाओ उनको मार्केट में बेचना, ये सबसे महंगे भी कहीं। अब वो महिला को लगा कि यार मजाक तो नहीं करती, मात्र 30 सेकंड 40 सेकंड में कोई चित्र बना दिए हैं और ये भी बोले हैं कि बिकी। एक काम करते चलो मार्केट वैल्यू पता कर देती हूँ। और वो गई और मार्केट में पूछने लगी। तो ऐसा कहते हैं कि उस समय वो सबसे महंगी, मतलब वो जो चित्र है वो सबसे महंगा डिमांड आया, मतलब बेचा गया उसको। बेची तो नहीं लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अब उसको लगा जो व्यक्ति मात्र 30-40 सेकंड में सबसे महंगा चित्र बना सकता है, तो क्यों ना मैं इसको स्टूडेंट बन जाती हूँ। तो हो गई और बोली आप मेरे को सिखा दो, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ, क्योंकि आपने तो मात्र 30-40 सेकंड में कर दिया। तो उन्होंने कहा आज जो 30 से 40 सेकंड में जो मैं चित्र बना के या डायग्राम बना के पिक्चर बना के आपको दिया हूँ ना, उससे पहले मेरी 30 साल की मेहनत है। पहले मैंने इसको 30 साल तक सीखा है और 30 साल सीखने के बाद वो चीज़ मुझे 30 सेकंड में कर पाया हूँ। तो यदि आप कुछ करना चाहते हो तो उसके पीछे की मेहनत होना चाहिए, क्योंकि वो एक तपस्या है। आपको आपने सिर्फ अभी 30-40 सेकंड की मेहनत को देखिए, लेकिन उसके पीछे जो 30 साल से मेरी मेहनत है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं। इसका अर्थात इसका ये मतलब हुआ कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ कामयाबी को देखते हैं या तो बोल देते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन लोग पीछे जो मेहनत की गई है, आप जो तपे हो, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वो दिखता नहीं है। तो सबसे पहले यदि आपको बेहतर करना है तो पहले आपको तपना पड़ेगा, उसके पीछे सीखना पड़ेगा, और जब तक सीखना चालू नहीं करोगे तब तक ही कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले सिद्धत से आप सीखी चीज़ों। कई बार ऐसा होता है कि लोग थोड़ा बहुत ज्ञान होता है उनको लगता है हमको सब कुछ आ गया, फिर बाद में बोलते हैं सर हमको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो पहले आप उसको, आज 30 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 1 साल भी पढ़ रहे हैं तो 1 साल सिर्फ सीखिए और इतने अच्छे सीखिए कि वो जब एग्जाम दो तो आपके लिए बेहतर हो जाए। तो पहले सीखना है उसके बाद जीतना है। ठीक है, थैंक यू ऑल।